ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध 25 अप्रैल 2024 को शाम को 5:49 पर मीन राशि में मार्गी गति शुरू करने वाले। बुध का मीन राशि में मार्गी होना हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज हम 12 राशियों में से मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करेंगे। इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इनके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए बुध छठे और नवे भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान छोटे भाई बहन और पराक्रम के तृतीय भाव पर बुध मार्गी गति शुरू करेंगे। आप इस समय अवधि में मेहनत के दम पर प्रगति हासिल कर पाएंगे। आपको कार्य के सिलसिले पर यात्राओं पर भी अधिक जाना पड़ सकता है और यह यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। बुध की यह मार्गीय अवस्था आपके अंदर साहस और दृढ़ता लेकर आएगी, जो आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। आप इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में तरक्की और संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्य की आपको प्रशंसा भी मिलेगी। हो सकता है इस समय अवधि में आप विदेश यात्रा पर भी जाएं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान आपको पदोन्नति मिल सकती है या करियर में आप अच्छी प्रगति हासिल कर पाएंगे। व्यापारी जातकों के लिए भी अपार सफलता के योग बनने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप किसी नए बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर भी आप दे पाएंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी बुध की मार्गीय अवस्था आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। आप अच्छा पैसा कमाएंगे और उस धन की बचत भी कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। आपके आपसी समझ में वृद्धि होने के कारण आपका रिश्ता इस समय अवधि में मजबूत दिखाई देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपके लिए बुध की यह मार्गीय अवस्था शुभ साबित होने वाली है। आप साहसी और दृढ़ संकल्प का इस समय अवधि में परिचय देंगे। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध पांचवें और आठवें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर बुध मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको पारिवारिक रिश्तों के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि आपको अपने संतान और परिजनों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप करियर क्षेत्र में खूब सफलता पाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए औसत रह सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आप जो भी कार्य करेंगे उसकी सराहना आपको नहीं मिल पाएगी। व्यापारी जातकों को अपने व्यापार में सतर्कता बरतनी होगी, तभी आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से बुध की यह मार्गीय अवस्था आपके लिए खर्चों में वृद्धि लेकर आ सकती है। आपके लिए पैसा कमाना इस समय अवधि में आसान नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको धन सोच समझ कर खर्च करना है। प्रेम जीवन के लिहाज से आपसी गलतफहमी के वजह से आप दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि आप अपने पार्टनर के प्रति अपने मन में कुछ गलत विचार लेकर बैठे हों, लेकिन उसे आपको दूर करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय आपके लिए औसत रहने वाला है। आपकी सेहत में इस समय अवधि में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही जोड़ों में अकड़न का भी आपको इस समय अवधि में सामना करना पड़ सकता है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए बुध स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर बुध मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने कार्यों के प्रति सावधानी बरतनी है और अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। इस समय अवधि में आपको त्वचा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कार्य की पेशेवर रूप से योजना तैयार करनी होगी। अगर आप बेहतर संभावनाओं की वजह से नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय अवधि आपको संतुष्टि देने का कार्य करेगी। करियर के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आप समाज में अपनी बुद्धिमानी और योग्यताओं का परिचय देने में सक्षम होंगे। ऐसे में आप समाज में
चमक बिखेरने का कार्य करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप एक सफल व्यापारी के रूप में उभरेंगे। हालांकि व्यापार के लिए आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए फलदायी साबित होंगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह मार्गी अवस्था आपके लिए शुभ रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको शेयर और बिजनेस डील के माध्यम से अच्छा धन लाभ हो सकता है। प्रेम जीवन के लिहाज से भी बुध की यह मार्गी अवस्था आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके अपने पार्टनर के साथ अच्छी समझ और तालमेल रहेगा, जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अवधि थोड़ी मुश्किल रह सकती है। त्वचा से संबंधित एलर्जी, सर्दी, खांसी, बुखार, इस प्रकार की समस्याओं का आपको इस समय अवधि में सामना करना पड़ सकता है। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य आराधना करें। तो यह था बुध का मीन राशि में मार्गी होना, जिससे हमारी मकर, कुंभ और मीन राशि इस प्रकार प्रभावित होगी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।